और बढ़िया चल रहा, सही है। अच्छा, किसकी तरफ रुझान है ज्यादा लोगों का? हम उसने कह रहे हो देवेंद्र है। अच्छा, देवेंद्र काद्यान अच्छा लगता है। हाँ अच्छा भाई, महाराज पति बेटा। अच्छा, निर्मल क्या करके गई है? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं करा। यो देवेंद्र काद्यान जो है बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छे काम कर रहा है। 10 सालों में तो काम है तो बढ़िया है। मोदी की तरफ से बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, कोई बढ़िया काम नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। काम हो गया ही नहीं हमारे गाँव में। तो खास बात है, खास बात यह है नया लड़का है, 9 सालों में जनता की सेवा कर रहा है। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे उनके काम को? 0। अगर यहाँ से बीजेपी को सीट निकालनी है तो सिर्फ देवेंद्र काद्यान ही सीट निकाल सकता है, नहीं तो ये बीजेपी की सीट छीन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलख हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रूही। इस वक्त मैं गन्नौर हलके के घूमड़ गांव में हूं। हमारे साथ ग्रामीण हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं। कुछ इनसे जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है इनके बीच में। राम ताई, राम राम बेटी। राम राम, ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ चुनाव को लेकर? और बढ़िया चल रहा है, सही है। अच्छा, किसकी तरफ रुझान है ज़्यादा लोगों का? हम उसने कह रहे हो देवेंद्र है। अच्छा, देवेंद्र काद्यान अच्छा लगता है। हाँ अच्छा भाई, महाराज पति बेटा। अच्छा, क्या काम करवाए उन्होंने यहाँ पे? देवाड़ा मारा तो रोड बनवा आपने। अच्छा, सारा ही काम करवा दो, हम कहाँ ही पूछते है। अच्छा, उन्होंने काम करवाए हैं? हाँ, सारा काम करवा देती। निर्मल चौधरी थी यहाँ से पिछली सीटिंग, उन्होंने करवाया था। दाढ़ का निर्मल क्या करके गई है? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं कराया। अच्छा। रोड का था, रोड नहीं बनाया। अच्छा, रपड़ टूटा था, नहीं बनवाया। नया कोई रोड बनाया, अरे भी जगह जगह फुटिया पड़ा है। अच्छा, इससे पहले कुलदीप शर्मा भी थे, उन्होंने करवाया? उसने भी नहीं कराया, वो भी वैसे ठगू है गाड़ा। अच्छा, विधायक के रूप में अब किसको, किसका चेहरा देखना चाहती हो? हम तो मोदी का देंगे जो कुछ मोदी में चाहो हम तो। अच्छा ठीक, ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या माहौल है अभी लोगों के बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, इसमें यो देवेंद्र काद्यान जो है बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छे काम कर रहा है। अच्छा, धार्मिक विचारों का है और पब्लिक सेवा के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। पिछले 5 सालों में यहाँ पर कितने काम हुए गांव के अंदर में? नहीं, हमारे गांव में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। और पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में भी मतलब इसमें शहर में तो कुछ हुआ, हमने नहीं करा शहर का, लेकिन गाँव में कुछ नहीं। 10 साल से भाजपा सरकार है। हाँ, तो कुछ काम हुए 10 सालों में? 10 सालों में तो काम है तो बढ़िया है। मोदी की तरफ से तो बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, कोई बढ़िया काम नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी बोलो, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए गांव के अंदर में, जो काम नहीं हुए और होने चाहिए थे? काम हो गया ही नहीं जी हमारे गाँव में थे। अच्छा, और मैं तो ब्राह्मण हूँ। कुलदीप शर्मा ने पहले बनाया ना शोरूम, जब काम किए, दूसरी बार यहाँ कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपकी बार विधायक के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? हम तो जी इस लड़के को वोट देंगे। किस लड़के को? काद्यान को। अच्छा, क्या खास बात है? खास बात यह है नया लड़का है, 9 सालों में जनता की सेवा कर रहा है। अच्छा, गाड़ी चला रखी है, फोन कर दो 5 मिनट में फ्री एम्बुलेंस। अच्छा, कोई पैसा नहीं। तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया किसी और ने किए? नहीं, किसी ने नहीं किया आज तक। जनता का रुख किस तरफ है? जी, जनता का रुख तो बीजेपी की तरफ ही है। किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ ही है। क्या कारण है कि बीजेपी की तरफ है, किसी और की तरफ नहीं है? जी, जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, उनके काम को देखते हुए जनता का रुख उसी तरफ है। अच्छा, और यहाँ गांव के अंदर की बात करें, हल्के की बात करें, तो यहाँ पे क्या काम हुए हैं? हल्के के अंदर भी मोदी की तरफ से तो सही काम हुए हैं, बाकी रहे जो निचले तबके के वो कराए या ना कराए। अच्छा, वो एक अलग बात है। अच्छा, हाँ जी। बाकी ये जो अपने देवेंद्र कोशी के हैं, सामाजिक तौर पे इन्होंने जो है फ्री रिक्शा भी और अपना ये एम्बुलेंस भी सामाजिक, अभी आप फोन कर दो तुरंत मतलब आपकी सुनाई होगी, चाहे कोई भी काम हो। क्या नाम है आपका? बोबी जी। कामकाज की बात करें, जो पिछली सीटिंग एमएलए हैं निर्मल चौधरी, 10 में से कितने नंबर देंगे उनके काम को लेकर? 0 जी। 0? हाँ जी। 0 क्यों? उन्हें कुछ कराया नहीं जी, कोई भी काम सामाजिक नहीं काम कराया, कोई गांव में नहीं कराया। क्या काम होने चाहिए थे? जैसे जी ये गंद था, यहाँ कह रहे थे बनाएंगे, कुछ नहीं कराया जी, कुछ नहीं किया। कुछ भी किससे उम्मीदें हैं कि काम होगा? देवेंद्र काद्यान से जी। देवेंद्र काद्यान। हाँ जी। हाँ, तो वो तो उन्होंने बता दिया, आप बताओ। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे आते जाते, लोकसभा, विधानसभा, बहुत सारी सरकारें आती जाती देखी। सबसे बढ़िया सरकार में कौन सी बढ़िया लगी आपको, जिसने काम करवाए, जिसके राज में काम हुए हों? सरकार आ गई बढ़िया। अच्छा, बीजेपी है, कांग्रेस, बीजेपी। अच्छा, क्या काम मतलब गांव के अंदर करवाए बीजेपी ने? अंदर काम करो करवाए बीजेपी ने, ये करवाओगे, आप करवाएंगे। पिछले 10 सालों में हुए, पिछले 10 सालों में हुए, पिछले 10 सालों में हुए। अच्छा, यहाँ से विधायक के किसके चेहरे देखना चाहते हैं? यहाँ पे विधायक के चेहरे में किसको देखना चाहते हो अब? बीजेपी वाले को, बीजेपी वाले को। अच्छा, नमस्कार जी, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड ज़्यादा लूँगा। वो हमारे पंडित जी हैं दादा, उन्होंने अभी बताया कि देवेंद्र काद्यान को देंगे और पिछले एम्बुलेंस के बारे में वो तो बखान कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी इलेक्शन सर पे है, हम ज़्यादातर बैठे हैं, ये हमारे पंडित जी हैं दादा, ये बीजेपी की तरफ हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ से बीजेपी को सीट निकालनी है तो सिर्फ देवेंद्र काद्यान ही सीट निकाल सकता है, नहीं तो ये बीजेपी की सीट छीन रही है। अच्छा, क्या कारण है कि देवेंद्र काद्यान इतने प्रबल दावेदार हैं, कोई और उसके आगे है नहीं? प्रबल दावेदार वो जो काम एमएलए बनने के बाद करता है, वो काम तो पहले से कर रहे हैं। अच्छा, ये रिक्शा 40 छोड़ी हुई है, फ्री में 10 रुपये जिसका लगाने का भी उतनी लगाओ और जाओ, बैठो जाओ। अच्छा, फ्री कोचिंग सेंटर चला रहा है, हज़ारों बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। 10 ये रिक्शा ये अपनी एम्बुलेंस छोड़ी हुई हैं, कोई भी मरीज है तुरंत 5 मिनट में सर्विस है कॉल की। आधी रात को भी 12 बजे भी कोई प्रेग्नेंट महिला फ़ोन कर देती है कि ऐसे ऐसे यहाँ दिक्कत है, तो 5 मिनट में रात को भी एम्बुलेंस आ जाती है। फौजियों का सम्मान कर रहा है, महिला का सम्मान कर रहा है, लोगों की मैं खुद पर्सनली एक बार गया हूँ देवेंद्र काद्यान के पास में। मैं वैसे तो उसके साथ में पढ़ा हुआ हूँ 2 साल तक, लेकिन मैं एक काम के लिए गया था और वो ऐसा काम था कि वो ना होने वाला काम था। अच्छा। मैंने जाके बताया भाई साहब ये काम है, बोले यार ये तो होने वाला नहीं है, मैं देख लो भाई साहब होता हो तो। उन्होंने वो काम भी करके दिखाया है। अच्छा। तुरंत फ़ोन पे 5 मिनट में काम करता है बंदा। तो अगर जो बीजेपी को सीट निकालनी है तो देवेंद्र काद्यान ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई निर्मल है उसको तो 0 है, वो तो 5,000 वोट भी नहीं है उसके पास में। और देवेंद्र कौशिक का नाम सुनने में आ रहा है, 0 है, 15,000 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाएगा। अगर जो देवेंद्र काद्यान ही है जो अकेला अपने दम पे इलेक्शन, कम से कम देवेंद्र काद्यान का 30-35,000 वोट तो अपने कमर के पीछे लेके चल रहा है, जो उसके पर्सनली हैं। अच्छा। और पार्टी के अलग से आराम से बीजेपी निकाल लेगी सीट, अगर जो देवेंद्र काद्यान आते हैं तो। देवेंद्र काद्यान नहीं आते तो बीजेपी की सीट यहाँ से छीनेगी। अच्छा, ठीक। 74 ये ना, ये 74 गाँव में सीट पर जा रखी है, ये जो सीट पे आप जी सीट पे बैठे हो, ये देवेंद्र काद्यान की दी हुई बेंच है, हर साइड में, ये पूरे गांव में ये हमारे वर्ग बूढ़े अपने बैठने के लिए। यहाँ घूमड़ गांव में हमने ग्रामीणों से बात की, उन्होंने बताया यहाँ पे जनता का रुख किस तरफ है। आपके क्षेत्र में जनता का रुख किस तरफ जा रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए अलख हरियाणा। धन्यवाद।